India is a culturally rich and diverse nation with a population of 137 crore people. There has been rampant and uncontrolled growth of industries, transport and agriculture. Here, we will explore the significant reasons behind not just the depletion of resources, but also a major hazard which causes damage to human life. Air pollution. According to a new Environment Ministry report, among the different factors which contributed to the air pollution in India in 2020, one factor has increased from 10 to 15%. Stubble burning. आजाद भैया कहाँ ले जा रहे हो? मैं भाई गांव लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पे आसपास कितने गांव हैं भैया? यहाँ गांव तो बहुत है, लेकिन जो आसपास गांव जो जैसे कि अट्टा है, नौरंगपुर है, जगनपुर है, मुसदपुर है, घरबरा है, बूढ़ा घरबरा है, इमलिया है, लूकसर है। वैसे यहाँ कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है आपके यहाँ? यहाँ पर दो ही है केवल वैसे तो। अच्छा, कौन सी? गुजर है और जाटव है। आपके कोई खुद के किस्से हो गांव में जो यादगार रहे होंगे? यादगार गिल्ली बल्ले बहुत बजाई है। अच्छा, गिल्ली बल्ला बहुत खेला मैंने। सही है, सही है। वही ज्यादातर वही यादगार आती है जो खेलते, जैसे भी कोई देख लेते खेलते तो मन करता आज भी खेलने के लिए। अभी काम ही स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, यहाँ से काम चालू है। अंगना में खेला चंदन की डारी, अंगना में खेलो चंदन की डारी, धम के जम के ललार लाली। पुरखा की रीत होवे सब जन की प्रीत होवे, पुरखा की रीत होवे सब जन की प्रीत होवे। मन से मीठी मधुर वाणी गा मेरा, Azad's village is situated in the western part of Uttar Pradesh. It is mainly spread over 768 hectares with small villages situated near it. Its history of stubble burning was something that really intrigued us. Stubble burning is the practice of intentionally setting fire to the straw stubble that remains after grains like rice and wheat have been harvested. About 23 million tons of paddy stubble is burnt every year. पराली उधर भी मजबूरी में फूंकते हैं किसान जो भी है। अब भाई जब आदमी नहीं मिले, लेबर नहीं मिले तो बताओ क्या है करें उसे। फसल पकी खड़ी है, मशीन से काटे हैं, फिर वह नाद निकालने और फूस तो रह जा तो फिर हैरो नहीं लगती उसमें। बताओ हैरो नहीं लगेंगी तो नाज कैसे उगाएंगे दूसरी फसल? हमें कोई बता न आवे कोई काई बूझे भी ब्लॉक में जाएंगे तो दे दे 50,000 गड्डी,
तुम्हें सब्सिडी दे देंगे, 50,000 होंगे नहीं पहले, सब्सिडी मिलेगी नहीं। केजरीवाल ने बनाई है, वाने टीवी पे देखते रहे कि पराली की दवा बना दी छिड़कने की, गड़ जाएगा, आज तक आई दी थोड़ी है किसान है। किसान की मजबूरी क्या करे उसको, अभी जो हाथ से धान काटते हैं उसकी फराली जैसे कि आपने पड़ी देखी पूले बांध के पशु काम आ जाती है। अभी तकनीकी आ गई है, अभी मशीन खेत में काट देती है, पराली टुकड़े टुकड़े होकर उसे फैल जाती है, तो इसलिए किसान की मजबूरी होती है, ना इकट्ठा कर पाते ना यूज में ला पाते, जलानी पड़ती है वो। तो इसका और कोई तरीका नहीं है कि मतलब प्रदूषण भी ना हो और किसान की समस्या भी हल हो जाए? नहीं, अभी तो मशीन ऐसी आ गई है कि उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगी, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तकनीकी बढ़ रही है, अब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मशीन ही ऐसी आ रही हैं कि उसे बिल्कुल डिस्पोज कर देंगे खेत में। देखो ऐसा है, किसान की एक मजबूरी है, जो छोटा किसान है वो तो अपना हाथ से कटाई कर लेता है और फसल पराली को अपना जानवर के चारे में ले लेता है। अच्छा, जो बड़ा किसान है उसकी मजबूरी ये हो जाती है, उसके खेत में फिर जैसे जुताई करते हैं हैरो नहीं लग पाती है, तो अगली फसल कैसे बोए जब उसमें तो कबाड़ा हो गया। जमीन ज्यादा है और वह हम बड़े किसान हैं, हो जो मजदूर हो कम है हो, उनकी मशीनन सु काटी जाओ, जब मशीनन सु काटी जाओ तो फिर वह उन जलानी पड़े, अगर वह जोते हैं तो फिर उसमें जमीन पर हैरो नहीं पहुंच पावे, जुताई नहीं हो पावे, बुआई नहीं हो पावे, उनकी मजबूरी है फूकने की। While the farmers face the struggles of stubble burning, the women of the village go about their daily routine diligently. केक ना मंगाऊ, मैं सूजी को हलवा करूंगी, मैं अपने पोते पे केक कटवा दूंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कह रही हूँ बेटा मेरी उम्र भी तो ये लग जाओ, ये तो दादा से दादी माँ मेरे सास है, ये बेटी हैं दो, ये पोती हैं दो, ये पोता बहुत बजे उठे हैं, चाय भी बढ़ाते हैं, मम्मी को खोल दे, दूध भी लगाते हैं, फिर डोलने भी जाते हैं, डोलने भी, फिर डोल का है कपड़ा, फिर का कपड़े गोबर ये काम करते हैं, फिर उसमें तो घी काटते हैं, अपना दूध दूध कर ये काम करते हैं। तो पराली को जलाते हो आप? हाँ जलाते भी हैं, भैंसन ने भी खिलाते हैं। अच्छा, तो किस महीने में होता है ये सब? ये हुआ में हुआ है नवंबर में। कैसी हालत है किसानों की, एक किसान को क्या क्या दिक्कत मतलब झेलनी पड़ती? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स वर नॉट न्यू टू देम। जब किसान को आएगा करने का टाइम झट हुए बढ़ती कर दे, जब तो मोदी ने चावल महंगे मंदे कर दिए, बिक गए जब, अब है क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप लोग? एंड चेंज वाज नॉट नोन टू देम। Now
कहते हैं कि जो है पराली से जो है धुआं उठता है और बहुत प्रदूषण बनता है। हमारे यहाँ तो सारी ज़मीन ज़्यादातर रिक्वायरमेंट हो गई है, जो उसका मूंजी के जो पूला हैं झाड़ झाड़ के सब जो है अपने लगा लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, उन्हें काट काट के पशु के लिए रखते हैं। जो जैसे झाड़ते हैं पूला को, उसमें से थोड़ा बहुत जो फूस रह जाता है, जो पूला बनने योग्य नहीं होता, उसे जो है कोई किसान जो है उसमें थोड़े बहुत औच लगा दी, तो उसमें जो है अधिकारी ने यह चीज़ जांचते हैं कि कहाँ औच लगी, वहाँ आके लोगों को परेशान करते हैं। उन पर जो किसी के खेत में इतना सा भी जला मिल गया जो तुमने प्रदूषण कर दिया, उन पर केस लगा दिए, जो या तो हमें जो है कुछ खर्चा दो, 10-5 हज़ार रुपये दो, अन्यथा तुम्हारे नाम से FIR होगी। तो ये तो, और उन्हें जो है उसके पराली के नाम पे गांव के लोगों को, सूदे किसानों को परेशान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या अब हमारे यहाँ ये आ रही है कि गाय और भैंस जो ऊपरी हैं बिजार, वो इतना हो रहा है कि किसान इतना परेशान है कि ना तो मूंजी की फसल को बचा पा रहा है, ना गेहूं की को बचा पा रहा है, बिल्कुल परेशान है। रोजाना इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है देश में, कितनी कंपनियां बढ़ रही हैं जो वो प्रदूषण कर रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ जो भी आता किसान पे ही जो इसे सब थोपता है, किसान पे थोपा जा रहा है, और नहीं तो किसान के इस जलाने से कोई ज़्यादा नहीं है। जो थोड़ा बहुत जलाया तो इसे हम ये कहते हैं कि किसान पे तो ये कहा जाता है कि किसान जो कर रहा है जब कोई, और नहीं तो जो जितनी कंपनियां रोज लग रही हैं, जितने वहन रोज गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, है जी, तो इनसे है प्रदूषण। ये गवर्नमेंट जो आई है सब जंगल खा गई सहतमहतमन जी, और स्कूल पिस्कूल कहानों में बंद करे सरकारी, और वे ठेकेदार ने स्कूल खोल लिए, कहाँ तक पढ़ाओ बालकन ने, दो साल होने जा रही है, तो बालकन को जीवन बिगड़ गयो। ये क्या करेंगे बालक अब जो 9वीं 10वीं 8वीं तक रह गए, जिनकी 12वीं और 11वीं ना हो पाई, वे क्या करेंगे? और फिर आज क्या ठेकेदारी ले लिया, हमें आए क्या ऐसी लिए कहा जो ये फैक्ट्री खूटी है यहाँ कोई बालक है या जिले के, तो एक बालक भी नौ ले रहे, यहाँ तो भुखमरी आ गई भैया बहुत डबल। इतना पैसा नहीं एक भाई जो इनन की पूर्ति कर रहे हैं, जो ठेकेदारन के स्कूल हैं जिनने ठेके लेके खोल रखे हैं, इतना रुपया नहीं, क्या करें? यहाँ तो बहुत परेशानी आ रही है, जीवन कतई खराब हो गयो बिल्कुल। इज इट ओनली अबाउट द नेटिव्स? The laborers from thousands of kilometers away migrate here to work. What issues do they face which drive them to work here? बिहार में कहाँ से? बिहार थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर हम लोग का पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप बिहार से यहाँ काम करने क्यों आए? सर आई हूँ, आप पैसा का थोड़ा कमी है, पैसा वैसा कमी है, वहाँ पे काम उम नहीं लग रहा हम लोग के। अच्छा। यहाँ पे हमेशा भरपूर काम लगता है। इस समय क्या काम रहता है खेत में? यहाँ पर खेत में स्प्रे चल रहा है जी, खरपतवार को खत्म करने के लिए स्प्रे चल रहा है अभी जी। अच्छा। तो आप मतलब कब से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ तो दो तीन साल से जी। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले तो अपना बिहार में मुजू जी कटाई करते थे, मुजू जी कटाई झाड़ू लगाई करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, यही सब करते थे। तो आप मतलब बड़े किसानों की जमीन पे करते हो वैसे, या फिर आपके खुद की भी? ना घर पर है कि खेत भी है यहाँ से, तो यहाँ पर है तो यहाँ अपना खेत कर रखे है, पट्टा पर खेत रखे है, परवल के खेत कर रखे हैं। अच्छा। पट्टा पर ले रखे हैं अपना। कितने बड़े खेत हैं आपके जो खुद के? खुद को ही 1 बीघा के लपेट में है। वहाँ जला देते हैं से फसल कम उपजता है, फसल नुकसान ज्यादा करता हुआ के लिए फसल उपजाने के लिए उसको जला के फिर फसल तैयार करने के लिए जला देते हुआ के। जी यही हम लोग जलाए हैं अपना खेत में, साफ सुफ करके जलाए हैं, फसल वहाँ उपजाए हैं जी। यहाँ साफ सुथरा ज्यादा, वहाँ जाते हैं झांसी ग्वालियर में तो कीड़ा फतिंगा बहुत ज्यादा, कचरा इलाका है, यही बात है, यहाँ साफ सुथरा जगह है।
पहले जो चाहिए इस साइड को चाहिए इस साइड को ले ली, नहर को चाहिए नहर को दे दी, लाइन को चाहिए लाइन को दे दी, तो कायदा भी हो किसान दे भी सके। और अब तो मुलक के मुलक सब अखबार करके और ठेकेदार ने बेच के हुए ने सड़के, और जो नहीं हो तो बिल्कुल या जिले को तो ठप होगा मामलों का तय कर रहे। दूध कहो कोई भाव नहीं, नाज कहो कोई भाव नहीं, यहाँ तो भैया बहुत डबल आ रही है परेशानी, और भी आवेगी आगे को। किसान अपनी फसल का पैसा नहीं मिल पाता जो रेट, बस दुकानदार बेच रहा चीनी 40 रुपये किलो बेच रहा, उसका रेट फिक्स है 40 रुपये किलो है जी। मेरी तो कपड़े वाला बेच रहा मेरा 100 मीटर कपड़ा आयो जी, बर्तन बेच रहा वो कह रहा मेरे 200 रुपये किलो का ले जाओ, वो अपना रेट रख रहे हैं। किसान अपना रेट नहीं रख सकता, किसान का रेट रखे है दूसरा अगले वाला। आज हम बाज़ार में सब्जी ले जा रहे हैं अपने, टमाटर ले जा रहे हैं 30 रुपये किलो ले रहे हैं, अगले दिन 15 रुपये किलो ले रहे हैं। अभी आलू पैदा करेंगे, अब बिचरा आलू सीजन चल रहा है 7 रुपये 8 रुपये किलो, जो पूंजीपति वो इकट्ठा करके रख लेंगे जमा कर लेंगे, ये आलू 50-60 रुपये किलो बेचेगा। किसान को रेट नहीं मिल पाता। अरे राजा को मांगी तो कर रहे हैं, प्रजा को हक है राजा से अपनी मांग करने को। हम तो सभी भाई से ये विनती करें इस चीज़ में किसानन की हर तरह से मदद करें। हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई, आप हमसे तो सवाल कर रहे हो लेकिन आप भी तो कुछ आवाज़ उठाइए सरकार के सामने। During the late 2020s, the historic protest was organized by the farmers from various northern states. The protest was aimed at repealing farm bills that endangered the bargaining powers of the farmers. Among many issues, the protest was also aimed to make minimum support price and state procurement a legal right. At the borders of Delhi completed 6 months today to mark the occasion. Samyukt Kisan Morcha observing 26 May as the Black Day and will be protesting against the farm laws. Farmer groups have decided not to gather at the Delhi borders due to the pandemic. अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े, अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। Our team also got the opportunity to interview some of the experts on the stubble burning issue. These days, you know, parali or crop burning or stubble burning is blamed for all the ills of Delhi, all the pollution ills of Delhi. And it's become a major issue amongst the middle classes. But if you look at the evidence, you look at the historical evidence, then that doesn't support this view that parali is responsible. Because, you know, it's a traditional practice going back centuries. Farmers have done stubble burning for decades and centuries, in fact, maybe millennia. The city has become pathologically large, and that, and of course, side by side, the bad administration and incapacity for management, that is responsible for the breakdown of this ecological balance. It's not parali, which is something going back centuries. You know, if parali were responsible or stubble were responsible, then the Punjab would be more polluted than Delhi, because Delhi is still on average about 300 kilometers from, you know,
from the Punjab. So there's no magnet over Delhi which would attract all the smoke and all the dirt. It's just, it's not credible. These October, November, even many times we have to give them preempt medications if you feel unwell. Why? Because we are predicting that these patients may feel unwell during that period. We see newly diagnosed patients also, the young kids diagnosed with asthma during this season. During this season, bronchitis, a cough that is not going. Earlier, patient used to seldom visit a doctor, like once in a 2 year. Now it's a routine. Now every time you see the cough that is not going, the problem that are still persisting, the people are taking regular consultation from their doctor. Doctor visits has increased since previously. There is always a solution. If we start from urban sector to rural sector, we cannot blame it everything on, let's see, parali is everything that is being done. We should focus on ourselves also. So Enactus is an international not-for-profit organization present in around 37 plus countries, and it has its chapters in different colleges. So we are the Hansra chapter of Enactus, and what it does is it creates change makers to empower entrepreneurial action. So basically, Project Riddhi was started way back in 2018. So our it becomes the topic of discussion every time in winter, because it's the time when farmers burn stubble. So our seniors came with this idea that, probably we as a student-run organization can also contribute and probably help in mitigating the air pollution that is caused by stubble burning. So when we started off Riddhi, it was started with just one vertical, and of course, the target community that we had was farmers. Talking about where Riddhi is right now, so we have diversified into four verticals, and in each vertical we have a different community. And we have a different target, which is very different from each other. Like, these are very diversified areas. So talking about Tabdeel, we work with farmers and, we motivate them to take up mushroom cultivation. So in Shilpkari, we thought of, making the products out of stubble. So we convert stubble into pulp and paper, and then it's converted into beautiful handicrafts that can be used by us, you and everybody probably. And we can have like our own share. We can contribute towards the, problem. And coming to Nirman, so it was a very innovative idea, and initially when we started off, felt like it would never happen, but then it went on to happen. So the idea was that, the sustainable construction is still in India is not a, very popular thing. So we came up with this idea, okay, let's just do something out of stubble. Why not stubble in construction industry? We saw it happening abroad, so why not in India? So then we collaborated with certain companies, manufacturers, and then the stubble boards were made, which are absolutely durable, sturdy enough to form buildings and warehouses and washrooms. And the last vertical, which is like in its pilot phase right now, is the biogas plant. Now biogas in itself is not a very unique thing. What makes our vertical unique is the fact that we are making biogas plants that are suitable for a household. So basically, still in India, there are communities that rely on, firewood and etc., cow dung, which is, of course, not good for health. And, we were working on the problem of air pollution for so long. So we thought, why not indoor air pollution? So that's why we came up with this idea. And it is in its pilot phase, and we will have our first, plant very, very soon. So we are at a stage where we are looking for to expand this project by collaborating with various companies and NGOs so that this can be recognized by many people, and by they can see that stubble burning is something which farmers do, not because they want to do it, but because they do not have an alternative to that. If they see that stubble can be used to earn income and they can generate some revenue out of it, if we can educate them, then this project, I think so, has a lot of potential to grow, and this can be one of huge success for the whole country. Like, upon all the developments, all the achievements we have had, I would like just say ki abhi to iradon ka imtihan baki hai, abhi to vriddhi ka mukam baki hai, abhi to toli hai mutthi bhar zameen, abhi to aasman tolna baki. अंगना में खेलो चंदन की डारी, अंगना में खेलो चंदन की डारी, धम के जम के ललार लाली, पुरखा की रीत हो सब जन की।
मन से मीठी मधुर वाणी।